अस्सलाम वालेकुम गाइस, धुंध काफ़ी ज़्यादा भर गई है, तो जिनके पास बड़ी बाइक्स होती हैं उनकी बाइक्स में ऐसा एक बटन लगा हुआ आता है जिससे वो जैसे ही ऑन करते हैं तो उनके जो बाइक्स के चारों इंडिकेटर्स हैं वो ऑन हो जाते हैं, जिससे वो धुंध में काफ़ी ज़्यादा जो अपनी बाइक को है वो सेफली चला सकते हैं। लेकिन छोटी बाइक्स में ये ऑप्शन नहीं आता, उसमें आपको आफ्टर मार्केट इस तरह का स्विच लगाना पड़ता है। ये हैजर स्विच होता है, ये आपको इजीली जो है वो ऑफलाइन मार्केट से मिल जाता है और ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट है वहाँ पर ये अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपके इलाके में ये नहीं मिल पा रहा है, आपको किसी तरीके से परेशानी है इसको लेने में, तो आप किसी भी किसी को जो नॉर्मल बटन आता है ना इस तरह का जो कि इजीली मिल जाता है, ये बटन हो या कैसे बटन हो, इसको आपने हैजर में कैसे जो है कन्वर्ट करना है इसका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ये है तो इसकी पायरिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है। और ऐसा है तो इसको भी आपने, ये तो कॉमन हर जगह से मिल जाता है, इसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको लगाकर इसकी पायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको भी देखेंगे। तो जस्ट हम ये जो यहाँ पर लगेगी 8 नंबर की टी, इसको हम कर लेते हैं लूज, इसको हमें यहाँ पर आना है। अच्छा, मैं लिंक्स वगैरह क्यों नहीं देता कि ये कहाँ से आपको मिलेगा ऑनलाइन, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, जो चीज़ें वो सही तरीके से पहुंचती नहीं है, दिखाते कुछ है तो मिलता कुछ है, तो मैं किसी की गारंटी नहीं लूंगा। आप सिंपली जाकर गूगल पर लिख सकते हैं हैदर स्विच इन पाकिस्तान, ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप कोई भी वेबसाइट जो है वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। देखिए इसको आप इस तरीके से, जब यहाँ फंसे वापस से आपने इसको टाइट कर देना है। ठीक है, ये लग गया। अब ये जो वायर है ना, इसकी तीन वायर होनी है, इसको लंबा मैंने निकाल दिया पहले ही, इनको हम लेके आता हूँ हेलमेट में, वायर हम वायरिंग करते हैं। तीन वायर है ना, आपने इनमें से पहले कोई भी लेनी है, कोई सी भी आप ले लें, आपने जोड़ देनी है बाइक के स्काई ब्लू कलर के क्लिप के अंदर, जो कि इस साइड वाले इंडिकेटर्स का होता है, जो कि ये सामने नजर आ रहा है। ठीक है, स्काई ब्लू कलर का क्लिप ये यहाँ पर, इसके आपने ऐसे जोड़ देना है, ये देखिए। अब कोई भी दूसरी वायर आपने लगा देनी है ऑरेंज कलर के क्लिप के अंदर, जो ऑरेंज क्लिप होता है ना ये बाइक के इस साइड वाले इंडिकेटर के लिए होता है, ये आपने यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही लगा रहा हूं, आप इसको खोल कर अच्छे से लगा सकते हैं। और कोई भी तीसरी बार, दो माह लग गए ना, अब तीसरी बार आपने जोड़ देनी है, एक क्लिप होगा ग्रे कलर का, आप उसके साथ अटैच कर देंगे, वो होता है इशारों की ब्लिंकिंग के लिए, ग्रे कलर का क्लिप यहाँ पे बाइक का हमारा ये वाला है। आपने ये नहीं देखना कौन सी वायर, आपने बटन की कोई सी वायर हो, कोई सी वायर हो, एक आपने जोड़ देनी है ऑरेंज क्लिप के अंदर, एक आपने जोड़ देनी है स्काई ब्लू क्लिप के अंदर, और एक आपने जोड़ देनी है बाइक में ये ग्रे कलर के क्लिप के अंदर, बस ये आपका काम खत्म हो गया है। बेसिकली इस बटन का काम क्या होता है, जैसे आप बटन दबाते हैं ना, तो जो बटन के तीन बार है ना वो तीनों में करंट आ जाता है, ऑफ करने पर तीनों का करंट जुदा हो जाता है, दबाने पर तीनों एक साथ काम करते हैं और छोड़ने पर तीनों जुदा होते हैं। ठीक है, गाड़ी हो ट्रक हो सब में यही होता है। ये देखिए, अच्छा फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया आपको इसका, अब हम इस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका हमने क्या करना था कि जैसे हमने स्विच ऑन किया हमारा, जहाँ से हम ऐसे ऐसे इसका राइट ऑफ कर लेंगे, ठीक है, वो बटन दबाने पर हमारे चार इंडिकेटर्स चलेंगे, सिंपल था। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इस स्विच के लिए आपको कंप्रोमाइज क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने इसको ऑन करना है ना हैजर्ड के लिए, यानी कि आपको चारों जो इशारे चल रहे, तो इसको जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूंगा ना वायरिंग करने के बाद, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ऑन करने के बाद हमारे चारों इशारे नहीं चलेंगे, हमें इस बटन को ना, ये जो हमारा बटन है इसको या हमें इस हेल्प करना पड़ेगा या हमें इस हेल्प करना पड़ेगा, तब हमारे चारों जो इशारे वो चलेंगे। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं था, ये बेशक दरमियान में होगा ना तब भी आप इसको ऑन करेंगे ना तो ये जो चारों इशारे ना वो चलेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। अगर दरमियान में होगा ये बटन ऑन करने पर आपको चारों इशारे नहीं चलेंगे, आपको ये ऑन करने के बाद इसको या इस हेल्प करना है या आपको इसको इस हेल्प करना है तब जाकर चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसकी वायरिंग करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ ये जो है काम किस तरीके से करेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तीनों वायर मैंने तार दी जब मैंने लगाई थी इस बटन की, तो ये मैं तार दी है। अब बैट्स आपके भाई ये बटन है, इसकी आपने ये दो बार जा रही है ना इस बटन की, इसमें से कोई भी एक आपने लगा देनी है स्काई ब्लू कलर क्लिप के अंदर, ये बल्कि ज़्यादा आसान है, दूसरी लगा देनी है ऑरेंज कलर के क्लिप के अंदर। अब मैं आपको डेमो देता हूँ कि आप ये यूज़ कैसे करना है, वायर्स को आपने बाद में अंदर से लेकर आना है, उसको आपने हैंडल पर लगाना है, वो मैंने बताया आपको, बस वायरिंग बता रहा हूँ। दो वायर्स थी इसकी, एक जोड़ दी स्काई ब्लू क्लिप के अंदर और एक जोड़ दी हमने ऑरेंज कलर के क्लिप के अंदर। अब ये देखिए इसको फ्रेंड, जैसे मैं ऐसे ऑन करता हूँ ना तो हमारे चार इंडिकेटर से नहीं चल रहे, लेकिन जैसे हम इस साइड कोई बटन ऑन करते हैं ना तब जाकर चलेगा। ठीक है, इस साइड इस पर हम करेंगे, बस इसमें यह कंप्रोमाइज करना है आपने कि आपको ये ऑन करने के बाद आपने एक बटन इसका भी दबाना होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था, तो इतना कोई ये बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है।
बाकी लेफ्ट साइड चलते रहेगा। ये रखिए, ये जैसे इसको हम ऑफ करेंगे तो ये ऐसे चलेगा इस साइड वाला और ये इस साइड वाला, ठीक है। और जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो चारों, इसको हैंडल कैसे लगाना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो बस ना, ये थे आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।